देश में हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जोरदार वापसी के एक दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस साल का लोकसभा चुनाव दो अलग अलग विचारधाराओं, जीवन का हिंदू तरीका और बहिष्कार तथा विभाजन की राजनीति के बीच था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने यहाँ एक बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही वैचारिक लड़ाई अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। चुनाव परिणामों में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत के एक उज्जवल भविष्य के लिए खुशी का दिन है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि 2019 के आम चुनाव भारत में दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच प्रतिद्वंदिता का रहा है। एक विचारधारा प्राचीन अभिन्न मूल्यों के समग्र और सभी समावेशी विचार प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसे संसार में हिंदू जीवन पद्धति के रूप में जाना जाता है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि जबकि दूसरी विचारधारा यह है कि जिसका गैर भारतीय परिप्रेक्ष्य है और वह भारत को खंडित पहचान दिखाती है। यह समाज को व्यक्तिगत लाभ के लिए जाति, भाषा, राज्य या धर्म के आधार पर बांटती है। वैद्य ने कहा कि यह चुनाव उस वैचारिक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही चल रही है। बीजेपी का नाम लिए बिना वैद्य ने इसके सशक्त नेतृत्व और इसकी वैचारिक लड़ाई से समर्थन में लगे कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।